एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो सादियास टिफिन का डब्बा। मैं हूं आपका होस्ट शेफ पवन और मैं आपकी चिंता थोड़ी सी दूर करने आया हूं। आप हमेशा सोचते होंगे अपने बच्चों को टिफिन में क्या दें या खाने में क्या खिलाएं। आइए उसी चिंता को दूर करते हुए आज का शो हम शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली रेसिपी है चिकन ब्रोशेज विद सैफरन राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन ब्रोशेज और सैफरन राइस बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट कट इन क्यूब्स 200 ग्राम्स, ग्रीन कैप्सिकम 50 ग्राम्स, रेड कैप्सिकम 50 ग्राम्स, टोमेटोज 50 ग्राम्स, बटन मशरूम्स 50 ग्राम्स, इटालियन सैलड फॉर द मैरिनेशन। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन को हम गरम कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है बोनलेस क्यूब्स ऑफ चिकन जो हमने बनाया सादे के चिकन ब्रेस्ट से। हमारे पास सात स्टिक्स है जो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। हम इसको यूज करेंगे और इसको स्क्यूअर करेंगे। हमारे पास है उसके बाद टमेटो, एक पीस चिकन, उसके बाद टमेटो, फिर वापस उसमें आप डालें चिकन, ग्रीन कैप्सिकम और एक पीस चिकन लगा दें, फिर हम इसमें लगाएंगे रेड कैप्सिकम, अ पीस ऑफ मशरूम, यहाँ पर हमने बटन मशरूम्स यूज किए हैं, और फाइनली अनदर पीस ऑफ चिकन। देखिए वी हैव टू मेक इट अ लिटिल कलरफुल। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है इसको डालने का, इसको आप डाल सकते हैं एज एन हाउ यू लाइक इट इस स्टिक पर, सो दैट लुक्स प्रिटी। हम और एक स्टिक बना लेंगे, चिकन, टमेटोज, ग्रीन कैप्सिकम, मशरूम, रेड कैप्सिकम। जैसे कि आपने देखा मैंने कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं यूज किया है वेजिटेबल्स लगाने के लिए, ये आपकी मर्जी है आपको किस तरह वेजिटेबल्स इसमें लगाने हैं। फाइनल स्टिक लगाएंगे। ध्यान रहे जो स्क्यूअर्स में आप वेजिटेबल्स लगा रहे हैं वो ऐसे वेजिटेबल्स हो जो इजिली शॉर्ट टाइम में कुक हो जाएं, ना कि वेजिटेबल्स जैसे पोटैटोस जिसको ज्यादा टाइम लगता है कुक होने में। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस फिर से ऑन करते हुए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। जब तक ये ऑयल गर्म होता है हम हमारे स्क्यूअर्ड चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए यहाँ हमने यूज किया है रेडीमेड इटालियन सैलेड ड्रेसिंग जो आपको किसी भी सुपरमार्केट के शेल्फ पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इटालियन ड्रेसिंग बेसिकली बना जाता है ऑलिव ऑयल, हर्ब्स और मस्टर्ड के साथ। तो हमने ये सब मिक्स करके आपके लिए एक ड्रेसिंग बना के रखी हुई है रेडीमेड, और हम इसको मैरिनेट कर लेंगे चिकन स्क्यूअर्स को। पैन गर्म हो चुका है, अभी हम ये चिकन इस पैन में रख देंगे। इस चिकन को कुक होने के लिए करीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, और आप इस चिकन को ओवरटर्न करते रहिए ताकि इवनली कुक हो जाए हर तरफ से। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे और कुक करेंगे ताकि जो हीट है वो पूरे चिकन को ठीक से कुक कर दे। आप बीच बीच में इस चिकन को टर्न कर लीजिए। चलिए तो चिकन चेक करते हैं, लगभग कुक हो चुका होगा। जी हाँ चिकन कुक हो चुका है, अभी गैस ऑफ कर लें। अभी इस चिकन को हम करेंगे प्लेट। तो आइए इस चिकन की प्लेटिंग के लिए हमने यहाँ पर रखा है कुछ पुलाव राइस। इस पुलाव राइस को हम एज अ बेस यूज करेंगे। ये पूरा मील बाय इटसेल्फ हो जाएगा आपके बच्चों के लिए विद प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो लीजिए ये राइस डाल दिया है हमने। अब हम लेयर करेंगे इस चिकन साथ स्टिक्स को इस राइस के ऊपर। तो ये लीजिए रेडी है आपका चिकन ब्रोशेस ऑन सैफरन राइस। टेस्टी तो है ही, बहुत न्यूट्रिशियस भी। चिकन ब्रोशेस ऑन सैफरन राइस बनाने का तरीका है, एक स्कीवर में चिकन, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, मशरूम्स डाल लें और इस तरह 4 से 5 स्टिक्स बना लें। अब इन स्कीवर्स को इटालियन सैलेड ड्रेसिंग डालकर मैरिनेट करें जो ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड पेस्ट और हर्ब से बना हो। एक पैन में तेल गरम करें और इन मैरिनेटेड स्कीवर्स को दोनों तरफ से ग्रिल करें। पैन को कवर करके 7 से 8 मिनट तक पकाएं। अब एक प्लेट में कुक्ड सैफरन राइस लेयर करें और उस पर स्कीवर्स को रख कर सर्व करें। लीजिए तैयार हुआ आपका चिकन ब्रोशेज ऑन सैफरन राइस। चलिए देता हूँ एक मौका आपको जीतने के लिए एक कुकवेयर सेट सादिया की तरफ से। एक सिंपल से सवाल का जवाब देना है। आज का सवाल है, आज के हमारे रेसिपी चिकन ब्रोशेज में
हमने किस इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया। आपके ऑप्शंस है ए टोमेटोज, बी बटन मशरूम, सी ब्रोकली। सही जवाब टाइप कीजिए टीकेडी स्पेस आपका ऑप्शन ए बी या सी और भेज दीजिए 7575 पर। कहीं जाइएगा नहीं, कुछ मीठा लेके अब हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों की बातें बहुत मीठी होती हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मीठा बोलते हैं, मीठा सोचते हैं और मीठा खाना पसंद करते हैं। तो इंतजार करिए, शेफ लौटेंगे कुछ मीठा रेसिपी लेकर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो कुछ मीठा हो जाए, हम बनाएंगे आज कैरेट केक। तो शुरू करते हैं। कैरेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लोर यानी कि मैदा 250 ग्राम्स, बटर 100 ग्राम्स, शुगर 100 ग्राम्स, मिक्स्ड फ्रूट्स 250 ग्राम्स, एग 1, मिल्क 5 टेबलस्पून, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर 1 पिंच। कैरेट केक बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा बटर और शुगर, इसको हम करेंगे ठीक से विस्क। तो बनाना हमको क्रीमी, विस्क करते हुए बटर और शुगर ठीक से मिक्स हो जाए। इस मिक्सचर को थोड़ा एरिएट करना है ताकि हमारा जो केक हो वो काफ़ी लाइट बन जाए। ये हमारा शुगर और बटर अब मिक्स हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा एग, जिसको हम करेंगे बीट। इस मिक्सचर में तो ये मिक्स करेंगे हम एग और बटर का मिक्सचर। इसमें ऐड करेंगे फ्लावर, फ्लावर के साथ और फिर से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम ग्रेटेड कैरेट्स, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर अरोमा के लिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए ऐड करेंगे मिल्क। तो लीजिए हमारा मिक्सचर रेडी है केक का। इसको हम डालेंगे मफिन मोल्ड्स में बेक करने के लिए। इसको हमें रेस्ट करना है करीबन आधे से पौने घंटे तक और फिर इसको हम डालेंगे इसके मोल्ड्स में बेकिंग के लिए। तो चलिए इसको साइड करते हैं रेस्ट करने के लिए। तो हमारा मिक्सचर अब रेस्ट हो चुका होगा, तो चलिए इसको अभी मोल्ड में डालते हैं। हमारा मिक्सचर रेस्ट हो चुका है तो हम इस मिक्सचर को अब डालेंगे मफिन मोल्ड में। ये सिलिकॉन मोल्ड है रॉयल फूड का। हम इसको लाइन करेंगे कपकेक के बेस पेपर से। ये लीजिए इसको डाल दिया है। अब हम इसमें स्पून करेंगे इस केक के मिक्सचर को। ध्यान रहे ये मिक्सचर सिर्फ आधा कप भर के डालें, बिकॉज जब ये बेक होता है मिक्सचर आपका उठेगा बेक होने से, तो आप नहीं चाहते कि मिक्सचर ओवरफ्लो हो जाए और आपका केक फ्लैट बैठ जाए। तो आप इसमें आधा आधा भर लीजिए। तो ये रेडी हमारा मिक्सचर मोल्ड्स में। इसको बेक करते हैं प्री हीटेड ओवन में एट 175 डिग्रीज 15-20 मिनट्स। पंद्रह से बीस मिनट बीत चुके हैं और हमारा केक अब रेडी हो चुका होगा। आइए देखते हैं। ध्यान रहे बिना ग्लव्स के कुछ ना निकाले ओवन से। ये लीजिए हमारे केक्स रेडी हैं। अब हम इसको निकाल देंगे मोल्ड से। अब इसको हम करेंगे प्लेट।
ये हमने एक हेल्दी वर्जन केक का बनाया है, इसमें डाले हैं कैरेट्स, आप इसमें डाल सकते हैं मिक्स फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो, बट ये ध्यान रहे कि जो भी फ्रूट्स आप यूज कर रहे हैं ड्राई फॉर्म में हो, क्योंकि अगर उसका पानी छूट जाए तो आपका मिक्सचर काफी सॉगी हो सकता है। तो ये रहा आपका केक रेडी टू टेक इन योर टिफिन का डब्बा। कैरेट केक बनाने का तरीका है, एक पैन में बटर, शुगर, अंडा और मैदा को अच्छे से विस्क कर ले, फिर इसमें ग्रेटेड कैरेट, दालचीनी पाउडर, दूध डालकर अच्छे से फेंट ले, जिससे ये एक बैटर कंसिस्टेंसी का बन जाए। अब एक मफिन मोल्ड पर बेस पेपर कप केक्स रखें और इस मिक्सचर से आधा भर लें। फिर मफिन मोल्ड को प्री हीटेड अवन जो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया हो उसमें रखें और 15 से 20 मिनट तक बेक करें। अवन से निकाल कर ठंडा करें और प्लेट में सर्व करें। लीजिए, तैयार हुआ आपका कैरेट केक। ब्यूटी टिप्स ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय गोदरेज नूपुर हेना फॉर ब्यूटीफुल एंड थिक हेयर, 100% हर्बल, 100% नेचुरल। अगर आपके बाल ऑयली हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिला के उसे एक घंटे के लिए अपने बालों में छोड़े और धो ले। आपको फिर से याद दिला दे हमारा आज का सवाल, और हमारा आज का सवाल है, आज के हमारे रेसिपी चिकन ब्रोशेज में हमने किस इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया। आपके ऑप्शन है ए टोमेटोज, बी बटन मशरूम, सी ब्रोकली। सही जवाब टाइप कीजिए TKD स्पेस आपका ऑप्शन ए बी या सी और भेज दीजिए 7575 पर। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। डबल प्रोटीन, डबल न्यूट्रिएंट्स, डबल एनर्जी। आप बच्चों को देना चाहती हैं हर चीज डबल, तो फिर थोड़ा सब्र करें। शेफ लौटेंगे ब्रेक के बाद लेकर एक डबल डेकर रेसिपी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे एक सिंपल सैंडविच रेसिपी जिसका नाम है मिनी वेज डबल डेकर। तो आइए बनाते हैं इस डबल डेकर को। मिनी वेज डबल डेकर बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट ब्रेड 3 स्लाइसेस, चीज 2 स्लाइसेस, ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन 200 ग्राम्स, सॉल्ट टू टेस्ट, टोमेटो स्लाइस 2, अनियन चॉप्ड 2, कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड 5 टेबलस्पून, कुकुम्बर स्लाइसेस 2, मिंट चटनी 200 ग्राम्स, चिली पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल फॉर फ्राइंग, बटर 100 ग्राम्स, टोमेटो केचप फॉर द सर्विंग। डबल डेकर बनाने के लिए आप एक पैन गरम कर लीजिए। इसमें हम बनाएंगे एक मिक्सचर जो आपका एक बेस बन जाएगा डबल डेकर सैंडविच के लिए। डालें थोड़ा सा ऑयल। जब तक ऑयल गरम होता है हम इसका मिक्सचर बना लेते हैं जो हम बनाएंगे एज अ वेज ऑमलेट। ये बनाएंगे हम बेसन से जो है चना फ्लावर, थोड़ा सा चिली पाउडर, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड कोरिएंडर और थोड़ा सा सॉल्ट। इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे पानी एक बैटर बनाने के लिए। इसको हम बनाना है पोरिंग कंसिस्टेंसी ताकि ऑमलेट जैसे पैन पे फैल जाए। ये हमारा बेसन का बैटर रेडी है और पैन भी अब तक गर्म हो चुका है। हम इसको डालेंगे पैन में और इसको ऑमलेट की तरह स्प्रेड कर लें। जब तक ये रेडी होता है हम सैंडविच का प्रिपरेशन कर लेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे थोड़ा सा बटर, तीनों ब्रेड में हल्के से स्प्रेड। इसके एक लेयर में हम डालेंगे मिंट चटनी जो हम यूज करेंगे सेंटर में। एक तरफ से कुक हो चुका होगा, इसको ओवरटर्न करेंगे। आपका वेज ऑमलेट रेडी हो रहा है। इसके एक लेयर में हम डालेंगे वेज ऑमलेट और टोमेटो और दूसरे लेयर में हम डालेंगे चीज और क्यूकम्बर। तो हम चीज और क्यूकम्बर का लेयर रेडी करते हैं जब तक ये आपका बेसन का मिक्सचर ऑमलेट की तरह बनके रेडी ना हो जाए। इसमें हम स्लाइस चीज यूज करेंगे। स्लाइस चीज डाल दिया, एड सम क्यूकम्बर स्लाइसेस
लगभग रेडी है। आप गैस ऑफ कर लीजिए और इसको पैन में ही आप डबल फोल्ड करके आधे पीसेस काट लें इसके, आपके एक लेयर बन जाएगा सैंडविच के। इससे तो ये लीजिए, ये आपके सैंडविच के बेस लेयर पे रेडी है। इसके ऊपर हम डालेंगे स्लाइस टमेटोज। इस सैंडविच का नाम है डबल डेकर। ये आपका सेकेंड डेक अब इस पर आ चुका है। इसके बाद हम इसको इन्वर्ट करेंगे क्यूकम्बर और चीज़ के साथ। तो ये आपका डबल डेकर रेडी हो रहा है। इसको हम काटेंगे चार हाफ्स में। ये रेडी है। इसको होल्ड करने के लिए हम इसको डालेंगे सात स्टिक्स के साथ। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सैंडविच। अब इसको बारी है प्लेट करने की। आइए इसको प्लेट करते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे कलर प्लेट ताकि और इसमें रंग खिल जाए। ये हमको डालेंगे इस तरह के प्लेट पे। ये है आपके मिनी डबल डेकर सैंडविचेस रेडी। इसको आप सर्व कर सकते हैं थोड़े से केचप के साथ, चाहे तो वेफर्स भी यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज। मिनी वेज डबल डेकर बनाने का तरीका है, एक बोल में बेसन, चिली पाउडर, चॉप्ड अनियंस, कोरिएंडर, सॉल्ट और वाटर डालकर इसका एक बैटर बना लें। आप तेल गरम करें एक तवे पर और उसमें इस बैटर को डालकर स्प्रेड करें। बीच में पलटा कर दोनों तरफ से अच्छे से कुक करें। फिर इसे तवे पर ही दो भाग में काट लें। अब एक चॉपिंग बोर्ड पर तीन स्लाइस ब्रेड रखें। एक स्लाइस पर बटर और मिंट चटनी स्प्रेड करें। दूसरे स्लाइस में चीज और कुकुम्बर प्लेस करें। तीसरे स्लाइस पर बनाए हुए बेसन के ऑमलेट को प्लेस करें और उसके ऊपर टोमेटो स्लाइसेस अरेंज करें। अब वेजिटेबल ऑमलेट वाले स्लाइस पर चटनी वाले स्लाइस को रखें और उसके ऊपर चीज एंड कुकुम्बर वाले स्लाइस को पलटा दें। फिर सैंडविच को चार भाग में काट कर उसे टूथपिक या साटे स्टिक के साथ बाइंड करें और प्लेट में अरेंज कर सर्व करें। लीजिए तैयार हुआ आपका मिनी वेज डबल डेकर। आपको फिर से याद दिला दें हमारा आज का सवाल, और हमारा आज का सवाल है, आज के हमारे रेसिपी चिकन ब्रोशेज में हमने किस इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया। आपके ऑप्शन है ए टोमेटोज, बी बटन मशरूम, सी ब्रोकली। सही जवाब टाइप कीजिए TKD स्पेस आपका ऑप्शन ए बी या सी और भेज दीजिए 7575 पर। तो चलिए आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी ऑन योर फेवरेट शो सादियाज टिफिन का डब्बा।